morning students, welcome to Partial International Schools online classes. Students, please open your English book. This one, come to page number 19. Today we are going to do our 8th chapter, that is mixed vowels. Vowels kaun kaun se hote hain? A, B, I, O and U. हमने एक एक वॉवल का एक एक चैप्टर पढ़ा था फोनिक साउंड से रिलेटेड पढ़ा था. हर एक चैप्टर पे एक एक वॉवल डिपेंड कर रहा था. आज हम जो फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं ये मिक्स्ड वॉवल्स की है, यानी कि आपको जो भी ब्लैंक है वो इन पांचों को यूज करके फिल करना है. इनमें से कोई भी वॉवल आ सकता है. इससे पहले जो आप एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें आपके पास एक पर्टिकुलर वॉवल था जिसको ओनली उसी को फिल करना था. आज जो हमारे पास है ये सारे वॉवल्स से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स है. इसमें जो ब्लॉक है इनमें आएंगे ये वॉवल्स, ठीक है. रिपीटेडली आ सकते हैं लेकिन आएंगे ये वाले ए ई आई ओ यू. आपको जो साइड में सीन है उसे देखना है, उससे रिलेटेड एक सेंटेंस दे रखा है. सेंटेंस हम पढ़ेंगे उसके बाद हम अपना ब्लैंक फिल करेंगे. See the sentence and fill in the blocks with missing vowels. आपको जो ब्लॉक दे रखा है वॉवल से आपको फिल करना है. Now look at the first sentence. The dash is played with a dash. The dash is played with a dash. आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक गर्ल जो डॉल से खेल रही है, एक लड़की गुड़िया से खेलती हुई दिख रही है. लड़की को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्ल. तो गर्ल की स्पेलिंग क्या होती है? जी आई आर एल. तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक भर गया. द गर्ल इज प्लेइंग विद अ डॉल. डॉल के लिए क्या स्पेलिंग होती है? डी ओ डबल एल डॉल. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको सीन में क्या दिख रहा है? एक आदमी पौधों को पानी दे रहा है. ए मैन इज वाटरिंग द प्लांट्स. आदमी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैन. और प्लांट्स पौधों को क्या कहते हैं? प्लांट्स. सो ए मैन, मैन की स्पेलिंग क्या होती है? एम ए एन मैन. इज वाटरिंग द प्लांट्स. प्लांट्स की स्पेलिंग क्या होती है? पी एल ए एन टी एस प्लांट्स. नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन डैश आइसक्रीम एंड डैश. बच्चों को क्या पसंद होता है? आइसक्रीम और चॉकलेट्स. दे लव इट. तो चिल्ड्रंस लव आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स. तो चिल्ड्रन के बाद लव की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? एल ओ वी ई लव आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स. सी एच ओ सी ओ एल ए टी ई एस चॉकलेट्स. नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? जोकर के साथ एंजॉय कर रहे हैं. चिल्ड्रंस आर एंजॉय विद द जोकर. ई एन जे ओ वाई आई एन जी एंजॉय विद डब्ल्यू आई टी एच. चिल्ड्रंस आर एंजॉयिंग विद द जोकर. नेक्स्ट देखिए, क्या दिख रहा है स्क्रीन में? एक भैंस दिख रही है जो दूध दे रही है. बफेलो इज गिविंग मिल्क. भैंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बफेलो बी यू डबल एफ ए एल ओ बफेलो. बफेलो यानी भैंस. काउ मिल्क देती है, भैंस भी मिल्क देती है. बफेलो ऑल्सो गिव्स अस मिल्क. बफेलो इज गिविंग मिल्क. इनको आप ब्लॉक्स में देखेंगे तो आपके सिर्फ ए ई आई ओ यू ही आ रहा है. जिस इसमें आई आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें ए, इसमें ए, इसमें ओ ई. यानी कि ये सारे ब्लॉक्स हमने किससे भरे हैं? वॉवल से भर किए हैं. नेक्स्ट नंबर 6, एक बार मैं बोर्ड क्लीन कर दो. Boys love to
प्ले क्रिकेट। Boys love to play cricket. अब इसको फील करेंगे, बॉयज के लिए क्या स्पेलिंग आएगी, बी ओ वाई एस, बॉयज लव टू प्ले, प्ले के लिए क्या स्पेलिंग आएगी, पी एल ए वाई, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट की स्पेलिंग क्या आएगी, सी आर आई सी के ई टी, लड़कों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है। नेक्स्ट देखिए, आई गो टू डैश एवरी डैश, आई I go to school every morning. मैं रोज सुबह स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। I go to school every morning. Rises, R-I-S-E-S, rises in the east. East की स्पेलिंग क्या होगी? पहले sun complete कर लेते हैं, the sun, sun की स्पेलिंग क्या होती है? S-U-N, sun, rises in the east, E-A-S-T, east. इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसे आप बुक में फिल करेंगे। द गर्ल इज प्लेइंग विद द डॉल, लड़की गुड़िया से खेल रही है। ए मैन इज वाटरिंग द प्लांट्स, एक आदमी पौधों को पानी दे रहा है। चिल्ड्रन लव आइसक्रीम एंड चॉकलेट, बच्चों को आइसक्रीम और चॉकलेट बहुत प्यार होता है। चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग विद द जोकर, चिल्ड्रन बच्चे जोकर के साथ मनोरंजन कर रहे हैं। बफेलो इज गिविंग मिल्क, भैंस दूध दे रही है। बॉयज लव टू प्ले क्रिकेट, बॉयज लड़कों को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, कब जाता हूँ, सुबह, मैं रोजाना सुबह स्कूल जाता हूँ। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। चलो इसको आप अपने बुक में फिल करेंगे। थैंक यू।